कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में पुराने पुलिस क्षेत्राधिकारी ऑफिस से महज 20 कदम की दूरी पर बदमाशों ने आज स्पोर्ट्स कारोबारी के घर को निशाना बनाते हुए कारोबारी धन कुमार जैन व उनकी पत्नी मंजू जैन को गोली मार दी। धन कुमार की मौत हो गई है जबकि मंजू जैन KMC हेल्थ सिटी में गंभीर हालत में भर्ती है। धन कुमार जैन के भाई का आदर्श मार्वल है। सुबह करीब 8 बजे नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ ही IG व SSP भी पहुंच गए हैं। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया उसे देखकर आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों को पहले से ही सब कुछ पता था। घटना के वक्त उनका एक बेटा व बहू जिम गए हुए थे। मौके पर मौजूद पड़ोसी संजय जैन ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। सुबह 8 बजे करीब वाकया है, दो बदमाश आए, मुंह पर डाटा बांधा हुआ था, धन कुमार जी और उनके घरवाली को गोली मार गए बेडरूम में और कुछ लूटपाट भी की है। तो घर पर कौन था, कौन कौन था उस वक्त? उन पर एक बेटा था, पोती थी और दोनों थे। तो बेटा बेटे ने बचाने का प्रयास नहीं किया, उनको कमरे में बंद कर दिया। तो कैसे आए थे, किस तरह आए थे बदमाश? ये पता नहीं कैसे आए थे, जब नकाबपोश थे। नकाबपोश थे। अच्छा, क्या प्रोफाइल थे, देखने में कैसे थे? मैंने नहीं देखा किसी फुटेज में, फुटेज यहाँ कैमरा है, हो सकता फुटेज में आए हूँ। और जी, क्या नाम है आपका? संजय कुमार जैन। अरे, क्या लगते हैं आप? पड़ोसी हैं, मेरे मित्र हैं। तो जिन दोनों ने गोली मारी, क्या क्या नाम है उन दोनों को? धन कुमार जैन और अंजू जैन। दोनों की हालत कैसी है? धन कुमार जी गुजर गए, ऐसी खबर आ रही है। मौके पर मौजूद भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा ने यह जानकारी दी। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें जो लगता है कि जिस हिसाब से ये हुआ है कि कहीं ना कहीं कोई रेकी है, कि जैसे कि उसको ये भी पता है कि ये लोग अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, उसके बाद वो टहलने चले जाते हैं। और यहाँ पर केवल 4 लोग थे जिसमें एक इनकी बच्ची भी थी, तो वो अंदर कमरे में बंद कर दिया। हो सकता है बुजुर्ग ने उनको पहचान भी लिया हो, जिसके कारण से उनकी हत्या कर दी। और काफ़ी सामान वो ले गए हैं, अभी उसकी भी नुकसान का भी एकदम आकलन करना अभी आसान नहीं है। लेकिन घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और SSP साहब और IG साहब यहाँ पर मौके पर है। हम सब ने सबसे वार्ता करी है और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करके काफ़ी नुकसान है। वहीं पुलिस कप्तान रोहित सजवाण ने यह बताया। ना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत एक परिवार यहाँ पे रहता है, कुमार जैन जी हैं और उनकी पत्नी यहाँ पे रहती हैं और उनके पुत्र के साथ और उनके बहू के साथ रहते हैं। यहाँ पे सुबह लगभग 8 बजे के आसपास 2 लोग इनके घर में आए और घर में आके इन्होंने जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं इनको गोली चलाई इनके ऊपर और इसके बाद घर में लूटपाट भी की है। इसमें पुलिस के द्वारा यहाँ पे हमारे द्वारा टीम बनाई गई है और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस पूरे प्रकरण में आसपास CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं, साथ में जो ये 2 लोग कौन थे इनके बारे में पता किया जा रहा है और इसमें अभी तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी। कोई डेथ है सर? हाँ, इसमें जो बुजुर्ग हैं धन कुमार जैन जी, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण इसमें मृत्यु हुई है और जो महिला है उनकी स्थिति खतरे से बाहर है और इसमें जो सारी कार्रवाई है पुलिस द्वारा की जाएगी। अभी तक वजह क्या निकल कर रहे हैं, क्या लूटपाट जैसे भी? हाँ, इसमें जो है प्रथम दृष्टया इसमें लूटपाट की बात इसमें निकल के आ रही है और उसी पर कार्रवाई चल रही है। अच्छा सर, बच्चों के लिए एक चीज़ आ रही है निकल के कि बच्चे बाहर थे, उनको रूम में बंद कर गए। हाँ, ये जो इनके जो बेटे हैं वो अपने बेटे को छोड़ने के लिए स्कूल गए हुए थे और वो पार्क में वहाँ पे सुबह टहलने चले जाते हैं और इस बीच में घर में यहाँ पे 4 जो लोग थे, घर में 4 ही लोग थे और 4 लोग घर के अंदर मौजूद। सर, क्या क्या सामान गया, कितने बदमाश बताए गए? हाँ, इसमें 2 लोग घर के अंदर आए थे और सामान के बारे में भी घर वालों से वार्ता चल रही है और 2 लोग घर में आना इसमें दिख रहा है। लूटपाट के विरोध में हत्या की गई है, ये अभी देखते हैं कि लूटपाट के विरोध में या फिर पहचान उन्होंने कर ली थी या ये सब चीज़ें अभी बातचीत की जाएगी, या उन्होंने बदमाशों को पहचान लिया था या फिर उन्होंने गोली चलाई या विरोध किया, वो सब चीज़ें अभी इसमें जो चीज़ें घर वालों से बात करके और जो भी चीज़ें आएंगी उससे आपको अवगत कराया जाए। घर के अंदर 4 लोग मौजूद थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।